अजय जी, आज मैं जैसे ही अपनी सीट पे आके बैठी हूँ, मेरा ये जो वाला मग है जो कि मैं घर से लेकर आई हूँ, और आप सबको पता होगा कि मेरा कॉफ़ी का मग या मेरी ग्रीन टी का मग ऐसे ही बड़ा होता है, क्योंकि मैं जिस तरह लोग अक्सर इसको ड्रम भी कहते हैं कि जकिया ड्रम में चाय पी रही है या बाज एक लोग तो ज़्यादातर ये भी कमेंट्स करते हैं कि जकिया आप थर्मोस में चाय पी रही हैं तो मुझे इसी में मज़ा आता है। मुझे छोटे वाले कप में बिल्कुल भी ना कॉफ़ी पीने का ना मुझे ग्रीन टी पीने का मज़ा आता है। बहरहाल, लेकिन आज अता ने मुझे काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल दिया है। मैं जैसे ही आके अपनी सीट पर बैठी हूँ, उसको किसी काम से जाना था और मेरे लिए पहले से ही कॉफ़ी रेडी की हुई थी। अच्छा जी, आज मैं बिल्कुल भूखी आई हूँ घर से, भूखी इस तरह से कि मैंने नाश्ता ही नहीं किया। जनाब, स्टार्ट हो गया है मेरे प्रोग्राम का, जो लिंक है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ ऑन एयर। प्रोग्राम मेरा ख़त्म हो गया है, मास्क मुझे अभी पहनना है, बस ऑफ हो गई है। मैं निकल आई हूँ रोड की तरफ। अल्लाह खैर, ये स्टूडेंट्स जो है ना, इस तरह से पेरेंट्स उनको बाइक अलाउ करते हैं, वो फिर इतना अजीब तरीके से वो वन व्हीलिंग करते नज़र आते हैं या इस तरह ओवर स्पीडिंग करते हैं। खैर, मौसम चेक करें, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। यहाँ से वेट करूँगी अभी किसी टैक्सी के आने का, और फिर मुझे जाना है घर। अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं थोड़ी सी डिस्टर्बिंग, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और अभी तक ये ऑफिस आने के बाद अभी 3 बज रहे हैं और मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता खैर लंच टाइम है, लेकिन यह है कि मेरा सुबह से ब्रेड और बटर खाने का दिल कर रहा था, और बच्चे सब सोए हुए थे और मैं ख़ुद बेकरी जा नहीं पा रही थी, इस वजह से मैं अभी वापस आके तो मैंने अपने लिए ये कॉफ़ी बनाई है। और ये जनाब ब्रेड तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही हूँ। और ये ड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, ये कल मैंने पहना था वापसी पर आते हुए, कल के व्लॉग में अगर आपने देखा हो तो। आज यही सामने पड़ा मिला, मैंने वही वाला पहन लिया। अभी मेरे पास एक दो पार्सल्स आए हैं, वो भी आपको शेयर करती हूँ क्या है वो, आपके सामने उसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। अच्छा जी, मैंने मोबाइल चार्ज पे लगा लिया है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, और साथ ही साथ ये पार्सल मुझे आज रिसीव हुए हैं, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट ये वाला ब्रांड है शूज़ का, और आजकल जो है वो 50% ऑफ लगी हुई है इस पर। तो इन बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं। हालांकि मैंने 3 ये ऑर्डर किए थे, लेकिन मुझे 2 रिसीव हुए हैं। अब मैं कहाँ हूँ? अच्छा, इसको प्लास्टिक भी इन्होंने ले दिए। लेट्स ट्राई, ये देखें ये कैसी है। एंड अनदर वन, अभी मैं पहन के भी आपको बताती हूँ, क्योंकि इस बार मेरी सारी चप्पल टूट गई है यहाँ पे। और एक मैंने ये ली है, मज़े की है। दोनों में से एक एक पहन के बताती हूँ, आप सब मुझे बताना कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी है। मुझे तो दोनों अच्छी लगती हैं। टैग्स में अभी नहीं हटा रही हूँ इससे, ट्राई करते हैं कौन सी वाली अच्छी है। कंफर्टेबल तो वैसे दोनों हैं, ये स्टाइलिश है, ये सिंपल है लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। विच वन? ये मेरे पाँव की रगे कितनी निकली हुई है आज, ओ माय गॉड, मुझे डर लग रहा है अपने पाँव से।
मेरी जब एक बार नींद डिस्टर्ब हो जाए फिर मैं 2 दिन तक ऐसी डिस्टर्ब रहती हूँ, फिर मेरी रूटीन जगह पर ही नहीं आती है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक लिमिट में रह कर काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी बॉडी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती है। जनाब सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लेकिन रेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि लेट है। अभी मुझे जाना है PTV। ड्रेस मैंने अभी ये वाला निकाल लिया, लेट मी शो यू, ये वाला जो कि मैंने पूरी इस गर्मियों के सीज़न में नहीं पहना है, ब्लैक। तो अभी इसके साथ सोच रही हूँ ये वाला दुपट्टा ले लूँ। हालांकि ये दूसरे सूट का दुपट्टा है, लेकिन वो वाला सूट मुझे इतना पसंद नहीं है, तो ये मैं इसके साथ पहन लूँगी। इस्त्री इसकी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, लेकिन लाइट नहीं है। आज सुबह से लाइट भी बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। तो जनाब मैं रेडी हो गई हूँ, बस मैं अभी ऑफ़िस के लिए निकलने लगी हूँ। पर्स मेरा तैयार है, चार्जर मैंने पर्स में ही रख लिया है क्योंकि यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है आज घर पर, तो इसलिए मैं मोबाइल ऑफिस जाके ही चार्ज करूँगी। मिलते हैं ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, दुपट्टे की सेटिंग मेरी हो गई है, बस अभी मेरा प्रोग्राम होने वाला है, प्रोग्राम कर लूँ। लेकिन आज से मैं यही सोच रही हूँ कि आज के बाद मैं ख़ुद को इतना ज़्यादा नहीं थकाऊँगी, क्योंकि मैं जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ कई दिनों तक, फिर मैं डिस्टर्ब ही रहती हूँ। अभी भी आप सब देख रहे होंगे स्टार्ट से मेरा व्लॉग, मेरी एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डाउन है। तो मैं अभी जा रही हूँ स्टूडियो की तरफ। मैंने अपनी न्यू वाली चप्पल पहनी हुई है, कैसी लग रही है? और जा रही हूँ घर। हाँ सूख गई। हाँ शुक्र है आज का दिन भी ख़त्म हो गया है खैर से, और आज के दिन के सारे काम जो हैं वो इख्तिताम पजीर हुए। अभी मैं जाऊँगी घर, थोड़ा सा बच्चों को टाइम दूँगी। लेट्स सी। जी तो डियर यूट्यूब फैमिली, घर में वापस आ चुकी हूँ, चेंज मैंने कर लिया है, मेकअप भी मैंने रिमूव किया है। ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि मैं थक जाती हूँ इस टाइम तक, सारा दिन की रूटीन, मतलब सुबह रेडियो, फिर टीवी, फिर घर को देखना, और आप सबके सामने है ये सारा कुछ। बहरहाल आज मैंने कुछ ये पार्सल्स जो मुझे रिसीव हुए हैं उसके हवाले से, चूँकि मैं बहुत बिजी थी। अच्छा ये मैं ये रुमाल उठाए तो उसके नीचे मुझे ये कैश मिल गया। अच्छा ये मैंने कुछ जूते ऑर्डर किए थे, चूँकि सीज़न ऑफ होने वाली है तो आपको पता है फिर सेल लगती है, और 75% ऑफ है जो मेरा ये मोस्ट फेवरेट ब्रांड है, तो तभी मैंने इससे शूज़ ऑर्डर किए थे। चूँकि मेरी जॉब भी ऐसी है कि मैं मतलब अपडेट रखना पड़ता है ख़ुद को, तो कुछ इस तरह से बात हुई कि बच्चों ने पार्सल तो रिसीव कर लिया, वो कैश ऑन डिलीवरी था, और पेमेंट मैंने उनको कहा कि मैं इजी पैसा कर दूँगी, और वो मैं भूल गई, मैं चली गई PTV। अब वापस आई हूँ तो दोबारा वो राइडर आया है, मतलब रात के इस टाइम बेचारा इतनी तकलीफ की है उसने, कहते हैं कि आप लोगों की तरफ से जो है वो कैश पेमेंट नहीं हुई, तो मुझे शर्मिंदगी भी हुई। मैंने कहा भाई मैं भूल गई थी, खैर उसको तो मैंने अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा दे दी, वो बहुत खुश हुआ,
क्योंकि मैंने कहा आपने इतनी तकलीफ़ की है, आप दोबारा आए हैं और इस पे आप कुछ खा पी लें। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मतलब चलें ज़िंदगी है, आप सबसे दुआ है, लेकिन मैं देख रही हूँ मेरे व्यूज़ कुछ कम होते जा। तो अभी मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट डे भी व्लॉगिंग कर पाऊँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।